When did you come here in the US? November 2019. अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों, अभी हमारे घर में एक महिला साफ करने आने वाली है जो घर की साफ सफाई करती है। यहाँ पर साफ सफाई अमेरिका में बहुत प्रोफेशनल जॉब होता है, तो वो एक घंटे का कितना पैसा लेते हैं वो आप जान पाएंगे। उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है या उनकी जर्नी क्या होती है यहाँ पर अमेरिका आने में, तो मैं उस महिला का इंतजार कर रहा हूँ। अभी आई नहीं है, यहाँ बारिश हो रही है फिलहाल अमेरिका में। आपके गाँव में कैसा मौसम है जरूर बताना। वैसे अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं बहुत सालों से अमेरिका में रहता हूँ और हूँ इंडिया के आपके ही जैसे किसी छोटे गांव से। यहाँ अमेरिका में बहुत समय से काम करता हूँ, पढ़ाई चलती रहती है और इधर उधर का। और फिलहाल आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका आने के लिए कौन कौन सा वीज़ा होता है, अमेरिका का लाइफस्टाइल, अमेरिका में जॉब और एजुकेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उन चीज़ों के बारे में छोटा छोटा वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अब धरती के जिस भी हिस्से से मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो से जुड़ रहे हैं, वेलकम टू माई चैनल। How do you say your name? Ejiani. Okay. I'm making YouTube video. Oh. I have a YouTube channel. Oh. I'll send you the link. I'll make a video when you clean. Send me. Yeah, I will. Okay. तो अभी पहुंची है वो और उसको अंग्रेजी नहीं आता है, तो थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, देखते हैं फिर ना। लेकिन ये बहुत बहुत प्यारी महिला है और बहुत अच्छे से काम करती है, तभी इसको हमने बुलाया हुआ है। एकदम हमने बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है, लेकिन इसका काम जो है एकदम बहुत गजब का रहता है। पहले वो वैक्यूम करेगी घर को, उसके बाद फिर साफ सफाई करने का सबसे पहला स्टेप यही है, वो वैक्यूम करती है उससे। यहाँ पर अमेरिका में अलग अलग देश से लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी बोलते हैं वो लोग भी इतने बड़े मुल्क में, इतने बड़े ताकतवर देश में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेते हैं, अपनी जगह खोज लेते हैं, छोटा मोटा काम से अपना आशियाना बनाते रहते हैं। अभी वो अपने परिवार वाले से बात कर रही है, वो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा बात करना मुश्किल हो जाता है, नहीं तो फिर वो काम नहीं कर पाएगी, कि थोड़ा सा धीरे धीरे बोलती है। बात करना उसको बहुत पसंद है, मैंने बात किया ना तो बहुत एक्साइटेड थी बात करने की, और खुश होते हैं जब जैसे उनको पता चलता है ना कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, इंडिया से हूँ या फिर कहीं और से भी हूँ, तो उनको अच्छा लगता है बात करने में। उनको लगता है ना कि आप उनके जैसे ही हैं। When did you come here in the US? November 2019. Really? 2019. Yeah. Okay. How long have you been living there? How long have you been living there? 3 years. 3 years? November, 3 years. Oh, okay. My sister lived here for 16 years. 16 years. But can you go back if you want? You have family in Brazil? My mother come here every year. Okay, what about your kids? My son live in Brazil. Last year, he stay here for 8 months. But he is depression, no school, no year, nothing. Okay, so he went back? I go to. Where in Brazil? What city? Belo Horizonte, Minas Gerais. Closest Rio de Janeiro. Okay. Your English is good. It's only been 3 years. Oh. It's very, very difficult to speak English. I study online 4 days a week. That's nice. But I have big problem for talking English. I have a lot of clients in India. Vini, do you? Vini, Pankai, Pankai husband Vini. Yeah. Mm-hmm. At the time I'm going Ashita's house, baby is big. Mm. Last time, we. So do you like it here in the US? You like this country? I like this country, I like money, I like the security. Security. Security.
So how much do I pay you? $8. Okay. तो हर किसी की कहानी होती है, जैसे वो बता रही थी अंग्रेजी में आपको कितना समझ में आया या नहीं आया कि वो कितने सालों से अपना देश वापस नहीं गई है, लेकिन यहीं पे वो अपना मतलब घर बसा चुकी है, 4-5 सालों से यहाँ पर है। उसकी बहन लोग पहले आए थे, फिर वो आई थी, फिर वापस नहीं गई थी वो। तो सबकी एक कहानी होती है उसकी, और कई सारी प्राइवेसी चीज़ें हैं जिसके बारे में उसने बताया, लेकिन वो सब मैं यहाँ साझा नहीं करूँगा। आप कम शब्दों में ज़्यादा समझने की कोशिश कर सकते हैं। या वन डे आई गो टू ब्राज़ील, उसको $2 बोला है उसने। वेनमो एक ऐप होता है, उसके द्वारा तुम पैसा दे सकते हो सीधा। तो उसके पास खुद का एक वेनमो ऐप है, उसमें तुम पैसा दे सकते हो। Send the bill for me. Yes, I will. In the YouTube. YouTube, yeah. Yeah, I like this. I'm asking more people to call you for cleaning. Oh. Yeah. So have... 2 hours, $30. Okay. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना उसके काम को सपोर्ट करने के लिए। Next year buy a car. Next year. Used car. Next year buy a car. For me it's there on the Monday. Monday. Okay. Monday evening. Okay. Bye. Thanks for talking English with me. Yeah. Bye. तो एडियानी से बात हुई है कि उसके लिए और काम ढूंढा जाएगा, थोड़ा बहुत इन इधर उधर मैं पूछूंगा लोगों से ताकि उसको और लोग बुला सके। मुझे लगता है ऐसे लोगों का काम करना जरूरी है। नहीं बता रही थी कि ब्राज़ील से बहुत सारे लोग यहाँ अमेरिका आते हैं, वो लोग कई बहुत सारे लोग गैरकानूनी तरीके से भी आते हैं। वो 10,000 से 15,000, कई लोगों का $25,000 तक का उनका एक बार में यहाँ आने का लगता है। एजेंट होते हैं जो उनको यहाँ लाते हैं, और ऐसे मतलब और बहुत सारे देश में होता है, सिर्फ ब्राज़ील में नहीं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग देश में इस अमेरिकन ड्रीम को पाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उस ड्रीम के पीछे कई सारे कहानियाँ होती है, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। तो ये सब चीज़ भी रहता है, हम किसी को देख के नहीं जान पाते हैं कि उसके पीछे उसके जीवन का संघर्ष क्या रहा होगा। अमेरिका में एक अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर किसी का काम छोटा बड़ा टाइप का नहीं समझा जाता या उस तरीके से नहीं देखा जाता। आप किसी को देख कर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये साफ सफाई का काम करती है या ये इंजीनियर है, या जैसे बाकी देशों में होता होगा। भारत में तो निश्चित रूप से होता है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है कि अगर वो साफ सफाई कर रहा है तो किस तरीके से एक जाति के लोग ही वो साफ सफाई करते हैं, उनके साथ किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो तमाम चीज़ें भी रहती है, लेकिन यहाँ पर वैसा लगभग नहीं होता है। यहाँ पर ये जो क्लीनिंग का काम है वो बहुत प्रोफेशनल काम है, उनको बराबर 1 घंटे का पैसा मिलता है। वो लोग बहुत शिद्दत से अपना काम करते हैं, आते हैं बहुत प्रोफेशनल टाइप का, अपना काम ख़त्म करते हैं, पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे साफ़ सफाई करने वाले अस्पताल में भी काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काम करते हैं, हर जगह साफ़ सफाई करने वाले की ज़रूरत होती है ना। और यहाँ पर अमेरिका में बहुत सारे जो स्टूडेंट रहते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल लोग रहते हैं, वो लोग घर का साफ़ सफाई नहीं करते हैं। अगर दिन भर काम कर रहे हैं, शाम को आते हैं, तो घर थोड़ी साफ़ करेंगे, अपने बच्चे हैं या परिवार है, वही सब चीज़ में निकल जाता है, काम घर यही सब चीज़ में। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए लोगों को हायर करते हैं 1 घंटा भर के लिए या 2 घंटे के लिए, और इनके पास अगर 8 घंटे का इधर उधर का इन्होंने काम ढूंढ लिया तो वो एक तरीके से काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। अमेरिका में इन साफ सफाई करने वालों या फिर जो प्लम्बर हैं, जो इलेक्ट्रिशियन हैं या जो भी सड़क बनाने वाले हैं, इन आम लोगों की ज़िंदगी को अपने इस छोटे छोटे वीडियो और ब्लॉग के द्वारा दिखाने का मकसद यही है कि आप भी वो सब चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोग ही दुनिया में बहुत कुछ करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में, अमेरिका में, इन्हीं छोटी छोटी गलियों में, इन्हीं छोटी छोटी सड़कों से कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ कर जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि इन्हीं आम लोगों की कहानी और ज़िंदगी को आपके साथ जोड़ता रहूँगा, आपके साथ बांटता रहूँगा। इन्हीं छोटी छोटी वीडियोज़ के बीच अगर आपको कहीं कुछ मिलता है तो मेरे चैनल से जुड़ना जरूर। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत कुछ जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना आपके अगर कुछ भी क्वेश्चन हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए। तब तक तुम लोग हमेशा की तरह अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। जोहार।